इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। सीएम योगी दिल्ली पहुंच चुका है और एक्शन में दिखे हैं। अग्निवीरों पर सीएम योगी का बड़ा बयान, अग्निवीरों को आरक्षण देगी योगी सरकार, पुलिस और पीएससी में मिलेगा आरक्षण। तो बड़ी खबर है यूपी के लिहाज से, क्योंकि अब योगी सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया, अग्निवीरों को आरक्षण देंगे हम, योगी सरकार ने कहा, पुलिस और पीएससी में मिलेगा आरक्षण। यानी अग्निवीरों की भर्ती पुलिस और पीएससी में मिलेगी होगी और उनको बकायदा आरक्षण दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचते एक्शन में दिखे हैं योगी, अग्निवीरों पर सीएम योगी का बड़ा बयान, अग्निवीरों को आरक्षण देगी योगी सरकार, पुलिस और पीएससी में मिलेगा आरक्षण। सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आपको बता दें 3 दिन के दौरे पर हैं। नीति आयोग की बैठक में भी उनको हिस्सा लेना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात बताई जा रही है, बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी। इसी बीच अग्निवीरों पर पहुंचकर दिल्ली उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि आरक्षण दिया जाएगा, पुलिस और पीएससी मिलेगा आरक्षण। तो यूपी पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों को आरक्षण देगी योगी सरकार, सीएम योगी का यह बड़ा ऐलान। हालांकि कई राज्य, अब आपको बता दें, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि अग्निवीरों के लिए उनके भविष्य की क्या रूपरेखा आएगी। तो ये बात कही गई है सामने कि अग्निवीरों को अब आरक्षण दिया जाएगा, तो योगी सरकार भी आरक्षण देते रहे। तुषार अमर साथ, अमर सहगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। तुषार, अग्निवीरों का एक बड़ा मुद्दा था खासकर यूपी के लिहाज से, लेकिन अग्निवीरों को एक बड़ी सौगात, उनको अब आरक्षण दिया जाएगा पुलिस की भर्ती और पीएससी के अंदर। बिल्कुल, देखिए अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा रहा है और लोकसभा चुनाव में भी अगर देखा जाए तो अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा रहा। विपक्ष ने भी अग्निवीर को लेकर काफी सवाल खड़े किए, सड़कों पर प्रदर्शन किया। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अग्निवीरों को अब आरक्षण दिया जाएगा, पुलिस भर्ती होगी यूपी में, पीएससी की भर्ती होगी यूपी में, तो अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा उसमें। अब देखना ये होगा कि जब इसका गैजेट आता है तब उसमें कितना आरक्षण देते हैं योगी सरकार उसको। लेकिन अब अग्निवीरों के लिए ये खुशी की बात है कि अब उनको आरक्षण मिलेगा, जब वो 5 साल के बाद जब वो वापस आएंगे तो पुलिस में जब वो अप्लाई करेंगे तो उनको आरक्षण मिलेगा, इसके अलावा जब वो पीएससी भर्ती में अप्लाई करेंगे तो भी उनको आरक्षण दिया जाएगा। जी चलिए, आप बने रहिए, एक बड़ी खबर फिर से बता दें, पुलिस और पीएससी में मिलेगा आरक्षण, अग्निवीरों पर सीएम योगी का बड़ा बयान है और अग्निवीरों पर। लेकिन तुषार, क्योंकि आप यूपी में जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर भी हम ग्राउंड पर गए तो ये एक बड़ा मुद्दा था युवाओं के बीच, अब उपचुनाव भी होना है, एक तरह से कह सकते हैं उपचुनाव से पहले एक बड़ी खबर है अग्निवीरों के लिए। देखिए उपचुनाव की बात करें या फिर 2027 विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने भी खुद पूरे प्रदेश का दौरा किया, हर जिले गए, हर गांव में गए, आपने देखा होगा कि अग्निवीर योजना को लेकर काफी लोगों में रोष भी रहा, काफी शिकायतें लड़कों ने की, जो वो लड़के जो आर्मी में भर्ती होने का सपना देख रहे थे उन लड़कों ने अग्निवीर योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। और ये एक बड़ा मुद्दा रहा जिससे कि योगी सर यूपी में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को इस तरह से हार का सामना करना पड़ा। तो अब बीजेपी ने साफ तौर पे कर दिया, योगी सरकार ने कह दिया।